गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जेसी एजुकेशन हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है 28 नवंबर 2018। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में 27 नवंबर 2018 को हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया। चार ऑप्शन हमारे पास, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। तो भारत के भुवनेश्वर शहर जो उड़ीसा में स्थित है, 27 नवंबर 2018 को हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानें। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। उड़ीसा के में 30 जिले हैं। राजभाषा है उड़िया। उड़ीसा राज्य गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया है। वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल से पार्टी से हैं। विधानमंडल 1 सदनी है। विधानसभा 147 सीटें हैं। राज्यसभा 10 सीटें हैं। लोकसभा 20 सीटें हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन से आपकी इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन दो की ओर। ICC की ताज़ा T20 गेंदबाजी रैंकिंग में 20 पायदान की छलांग लगाकर भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव कितने नंबर पर पहुंच गए हैं। चार ऑप्शन हमारे पास, सातवें, दूसरे, आठवें, तीसरे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, तीसरे नंबर पे। ICC की ताज़ा T20 गेंदबाजी रैंकिंग में 20 पायदान की छलांग लगाकर भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इसके अलावा कुलदीप इस रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय गेंदबाज भी हैं। तो क्वेश्चन दो कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन थर्ड की ओर। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप पर जिस आदिवासी जनजाति द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी गई, उस जनजाति का क्या नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सेंटिनल। तो हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप पर सेंटिनल आदिवासी जनजाति द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी गई है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानें। अंडमान से महज 50 किलोमीटर दूर स्थित नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर रहस्यमय आदिम जनजाति लोग रहते हैं, और वहाँ पे आधुनिक युग के लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस जनजाति के लोग ना तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं, ना किसी को खुद से संपर्क रखने देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कम्प्लीट हुआ। चले क्वेश्चन फोर्थ की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। संदीप मिश्रा, अमरजीत सिंह, प्रवीण मलिक, सुनील अरोड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा को हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल का होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन फाइव की ओर। ब्रिटेन के कितने पाउंड के नए नोट पर छपने के लिए नामित वैज्ञानिकों में दिवंगत भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम शामिल है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 50 पाउंड, 30 पाउंड, 70 पाउंड, 20 पाउंड। तो राइट आंसर दोस्तों 50 पाउंड। तो ब्रिटेन के 50 पाउंड के नए नोट पर छपने के लिए नामित वैज्ञानिकों में दिवंगत भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम शामिल है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानें। डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। वे विज्ञान कथाएँ भी लिखते थे और उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हुआ। चले क्वेश्चन सिक्स की ओर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किस चक्रवात को दुर्लभ चक्रवात की श्रेणी में रखा गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, तितली, फनूस, लैला, थेन। तो राइट आंसर दोस्तों तितली। अफ्रीका और एशिया के लिए क्षेत्रीय एकीकृत मल्टी हैजर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली रेम्स ने तितली चक्रवात को दुर्लभ चक्रवात की श्रेणी में रखा गया है। रेम्स के मुताबिक उड़ीसा तट में 200 से अधिक वर्षों के चक्रवात ट्रैक इतिहास में तितली चक्रवात दुर्लभ है।
यह चक्रवात अक्टूबर 2018 में उड़ीसा के तट पर आया था। और इम्पॉर्टेंट और है, रिम्स संयुक्त राष्ट्र के तहत पंजीकृत अंतर सरकारी निकाय हैं जिसका भारत अध्यक्ष भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, चले क्वेश्चन 7 की ओर। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है 26 नवंबर, 22 नवंबर, 28 नवंबर, 21 नवंबर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 26 नवंबर को। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जाने। राष्ट्रीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष भारत में 26 नवंबर को आयोजित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 26 नवंबर 2015 को गजट अधिसूचना के माध्यम से भारत में प्रथम संविधान दिवस आयोजित किया गया। और इम्पोर्टेंट बात है, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था जिसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया गया। तो क्वेश्चन 7 कम्प्लीट हुआ, चलिए क्वेश्चन 8 की ओर। वह वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सशस्त्र सीमा बल को नियुक्त किया गया, चार ऑप्शन होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सरिका राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व। 26 नवंबर 2018 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व और सशस्त्र सीमा बल द्वारा अभयारण्य के जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र है जो मुख्य रूप से लखीमपुर खेरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। आइए सशस्त्र सीमा बल के बारे में जानें। सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमा की सुरक्षा के लिए समर्पित एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। तो आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।